तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताना हूँ सैमसंग गैलेक्सी में एक सर्विस होती है वॉलपेपर सर्विस, जिसका नाम है ग्लेंस ऑन सैमसंग। पिछले कुछ टाइम से ये वर्क नहीं कर रही है, उसको इनेबल भी करते हैं तो गिनती के चार या पांच जो वॉलपेपर होते हैं बस वही की वही दिखा रहा है और उसके अलावा वर्क नहीं कर रहा। आज आगे आपको एक ट्रिक या एक सोल्यूशन बताने वाला हूँ जिसको मैंने भी अभी तक ट्राई नहीं करा है, बट मुझे लगता है कि उस ट्रिक से ये सोल्यूशन हो जाएगा। तो उस ट्रिक को आगे फॉलो करके देखते हैं उसके बाद क्या होता है, तो देखते हैं दोस्तों। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तो आप समझ पाएंगे। दोस्तों चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या होगा, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ ऊपर की तरफ जाना है, यहाँ जाना है वॉलपेपर एंड स्टाइल्स में और यहाँ वॉलपेपर सर्विस में आपको चले जाना है। यहाँ पर वॉलपेपर सर्विस में जाके आपको यहाँ करना है थ्री डॉट्स पे क्लिक और यहाँ अबाउट वॉलपेपर सर्विस में चले जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ आई बटन पे क्लिक करना है। आई बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसा ऑप्शन मिलेगा, आपको स्टोरेज पे जाके इसको क्लियर डेटा कर देना है। ठीक है, क्लियर डेटा करने के बाद आपको यहाँ बैक आना है और अपने मोबाइल को यहाँ पर रिस्टार्ट कर देना है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद यहाँ पर ये सोल्यूशन हो सकता है, पर कोई गारंटी नहीं है। मैंने इसको पहले ट्राई नहीं करा, जस्ट अभी ही ट्राई कर रहा हूँ और हो सकता है इसके बाद भी वर्क ना करें, क्योंकि मैंने इसमें बॉस के बारे में बहुत ज़्यादा नेट पर सर्च करा था, क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहे थे, लोग पूछ रहे थे मुझसे कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी करी पर कोई सोल्यूशन नहीं मिला, सबका नॉर्मल नॉर्मल कहना था। बट ये वाली ट्रिक मैं अपनी तरफ से फॉलो करके देख रहा हूँ, हो सकता है कि इसके बाद सोल्यूशन हो भी जाए और नहीं भी हो, कोई गारंटी नहीं है यहाँ पर। तो इसको ट्राई करके देख लेते हैं, अगर नहीं है तो ये डेफिनेटली सॉफ्टवेयर का फॉल्ट है, तो ये ऑटोमेटिक उसको कुछ दिन बाद रेक्टिफाई कर देंगे या फिर हो सकते हैं नेक्स्ट अपडेट के बाद उसको रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। बट एक बार फिर भी इसको ट्राई करके देख लेते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं मोबाइल मेरा यहाँ पर रिस्टार्ट हो चुका है, मैं कर लेता हूँ इसको अनलॉक। अनलॉक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेता है चालू होने में, तो फाइनली दोस्तों ये ऑन हो चुका है। आपको यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर एक एरो मिल रहा होगा रिस्टार्ट करने के बाद, आपको उस पर क्लिक करेंगे, उस एरो को स्वाइप करेंगे तो आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा। ऊपर आपको मिलेगा ग्लेंस ऑन सैमसंग के लिए ट्रिक करने के लिए और नीचे आपको मिलेगा डायनामिक लॉक स्क्रीन के लिए। अगर आप डायनामिक क्लिक करना चाहें तो नीचे कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आप ग्लेंस ऑन सैमसंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर और कोई डाउनलोड करनी हो सर्विस, आप यहाँ मोर वॉलपेपर सर्विस पे क्लिक करेंगे तो मे बी हो सकता है ये डाउनलोडिंग पे ले जाए, या कोई और सर्विस आपके पास सैमसंग लॉक सर्विस है तो वो भी बताने लगा। बैक आ गए, बैक आने के बाद मैंने वापस यहाँ से लॉक करा और अनलॉक करने के लिए गया, फिर मैंने यहाँ से उसको स्वाइप करा पर अब ये आ गया। अब मैंने डायनामिक लॉक स्क्रीन पे ग्लेंस ऑन सैमसंग पे क्लिक कर दिया, यहाँ पर ये हो तो गया सेट, बट वही की वही वॉलपेपर आ रहा है। मतलब कि ये ट्रिक यहाँ पर काम नहीं करी, मत नहीं काम कर रही है, वही की वही जो पहले आ रहे थे वही की वही यहाँ पर वापस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं वापस वही की वही यहाँ पर दिख रहे हैं, मतलब ये काम नहीं कर रहा। तो मेरे हिसाब से आप इसकी जगह आप वहाँ पर डायनामिक वॉलपेपर यूज़ कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं डायनामिक लॉक स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, जो कि भी बेस्ट है। यहाँ पर आपको वॉलपेपर सर्विस पे चले जाना है, यहाँ डायनामिक लॉक स्क्रीन पे चले जाना है, यहाँ सेटिंग पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इतने सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर कैट वाला यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पर इनेबल हो जाएगा। और ये मैंने स्पेशल वाला भी, दोनों को यहाँ पर मैंने क्लिक करके टेक कर दिया, तो दोनों डाउनलोडेड है मेरे पास ऑलरेडी, बस इसको इनेबल करना और ये इनेबल वर्किंग पे आ जाएंगे। तो ये सर्विस यहाँ पर काम कर रही है ग्लेंस ऑन सैमसंग में। मुझे लगता है कुछ सब सिस्टम से ही फॉल्ट है। आप देखेंगे अब ये इजीली यहाँ पर काम करने लगी है, आप देख सकते हैं इजीली यहाँ पर दोनों सर्विसेज, पहले एक नॉर्मल वाला आएगा, फिर एक कैट वाला जाएगा, एक स्पेशल वाला, जो मैंने दो बॉक्स लगाए पूरे के पूरे यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आप ग्लेंस ऑन सर्विसेज की जगह यहाँ पर डायनामिक लॉक स्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो रियल में पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है तो मेरी कुछ कमी तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।